हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक के वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैथ्स पजल के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घरों में हैं और कुछ ना कुछ करने को चाहते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि ये वीडियो देखकर सारे लोग एंजॉय कर पाए। क्यों, देखिए मैथ्स पजल ऐसा एक चीज है जो हर एक उम्र के लोगों को सॉल्व करना पसंद होता है। मैथ्स ट्रिक जो होता है, जिनको इंटरेस्ट होता है वही देखते हैं, लेकिन मैथ्स पजल जो है हर एक उम्र के लोगों को उसे सॉल्व करने बहुत अच्छा लगता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे मैंने टोटल 6 वीडियो बनाए मैंने मैथ्स पजल के ऊपर। अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं, आप वहां से देख सकते हो। या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप कहीं भी टच करोगे, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, उस आई बटन के हेल्प से भी आप सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं जानता हूं कि आप बहुत एक्साइटेड हो मैथ्स पजल को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या रूल्स मैं आपको बता दूं, आपको 30 सेकंड दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और 30 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करके आंसर देना है। 30 सेकंड के बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा। जल्दी कीजिए, जिनको आंसर आ गया, जिनको आंसर मिल गया है वो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। जल्दी कीजिए, चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन था और आपको 30 सेकंड दिया गया था इसे सॉल्व करने के लिए। तो काफी लोगों ने कमेंट करके आंसर दे चुके हैं, लेकिन देखिए राइट आंसर क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हर एक चीज को हमें देखना पड़ेगा पैटर्न क्या है इसका। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 5, 2, 6 और 4 दिया है। तो एक काम करते, इससे स्टार्ट करते हम लोग। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देखिए 5 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 5 2 कितना होगा, 10 होगा, और 10 देखिए इस 6 जो है इसको माइनस करता हूं मैं, तो 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। ठीक है, तो यही पैटर्न को देखते हैं कि इसमें यूज होता है कि नहीं होता है। देखिए तो 7, 3 जा 21, और 21 है, अगर 15 को आप माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा आपका, तो ये भी सही हो गया। देखिए और एक चीज देखिए, यहां पर 6, 2 जा 12, तो 12 है, और 10 आप माइनस कर दोगे इसमें से तो कितना होगा, 2 बचेगा आपका, तो ये भी पॉसिबल हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट वन, देखिए यहां पर क्या होगा, फिर 8, 3 जा 24 होता है, आप माइनस 4 करोगे आप कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। मतलब ये जो है इसमें 20 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए बहुत सारे कमेंट ऐसा आएगा, सर हमने तो अलग तरीके से सॉल्व किया हमने। तो आपको ये बता दूं आपको मैं, पजल जो है ना आप हर एक तरह से कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, सबकी सोच अलग है, सबका टैलेंट अलग है, आंसर राइट होना चाहिए, तरीका तो अलग अलग हो सकता है। देखिए तरीका बताने जा रहा हूं, देखिए और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए मैं बात करता हूं यहां पर 5, 2 जा 10, 5, 2 जा 10 है तो 6 + 4 = 10 होता है। देखिए इससे भी हो सकता है 7, 3 जा 21, तो 21 है, और 15 + 6 कितना होगा, 21, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 6, 2 जा 12 होता है, और 10 + 2 भी 12 होता है। देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 8, 3 जा 24 होता है, तो यहां पर 4 दिया हुआ है, तो क्या रखोगे यहां पर, ऑलरेडी देखो क्या रखोगे आप, 20 रखोगे, तभी तो 24 होगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पजल जो है हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो मतलब आंसर राइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए ध्यान से देखिए, जल्दी कीजिए, अगर आंसर मिल गया है तो कमेंट करके आंसर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। जल्दी कीजिए,
तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड मैंने दिया था और 30 सेकंड में काफी लोगों का आंसर भी आ चुका है और जिनका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम इसका पैटर्न को समझेंगे। देखिए हर एक पजल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैटर्न को फॉलो करना होगा, पैटर्न को आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि कैसे पैटर्न में ये दिया हुआ है, उसी से आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, आपको ये फाइंड करना है, ये बॉक्स फाइंड करना है। तो आप देखोगे यहां पर कैसे मैं यहां पर 7 ला पाऊंगा मैं, क्योंकि देखिए 7 7 और यहां पर 3 और ये फाइंड करना है मुझे। तो एक काम करता हूं, मैं ट्राई करता हूं, मैं देखिए ये 3 को मैं प्लस कर लेता हूं, यहां पर लिखता हूं, यहां पर मैं 15 प्लस 12 प्लस 7 इसको प्लस कर लेता हूं मैं, तो 5 प्लस 2 7 हो गया और 7 प्लस 7 14 हो गया, तो यहां पर 4 और यहां पर मैं 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। तो यहाँ को 1 1 1 तीन को प्लस कर लोगे क्या होगा, आपको 3 मिल जाएगा आपको। अब ध्यान दोगे अगर यहाँ पर 7 है तो कहीं ना कहीं काम करता हूं मैं, इस 34 को मैं इस तरह से लिख दूं तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए तो ये 7 आ गया। अब देखते हैं कि ये 2 में ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए प्लस करने जा रहा हूं मैं 11 प्लस 16 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 3 10 हो गया, तो 0 यहां पर कैरी हो गया यहां पर, तो 3 को प्लस कर लोगे तो 30 हो जाएगा। इस 30 को देखिए यहां पर मैं 3 प्लस 0 करने जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ये भी हो गया मेरा। अभी क्या करने जा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर क्या है 9 8 और यहां पर नीचे 17 दिया है। देखिए यहां पर क्या करूंगा, 8 प्लस 7 कितना होगा, 15 होगा और 15 प्लस 9 कितना होगा, 24 होगा, तो यहां पर 4 लिखता हूं, यहां पर 2, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा, 34 आ गया। तो इसी तरह क्या करूंगा मैं, 34 को 3 प्लस 4 लिख लूंगा और 7, मतलब ये मेरा परफेक्ट आ गया। मतलब 3 पैटर्न अगर इसी चीज से अगर सॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी सॉल्व होगा। तो जो सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए आंसर क्या होगा, देखिए 15 प्लस 21 और यहां पर 6, देखिए 5 प्लस 1 6 हो गया और 6 प्लस 6 12 हो गया, तो 2 यहां पर कैरी चला गया यहां पर, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 और 3 प्लस 1 कितना होगा, 4, तो यहां पर मैं 4 लिखता हूं मैं, तो 4 लिखा मैंने, तो क्या होगा 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 होगा, तो यहां पर मैं 6 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो 6 है। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, इसके लिए 30 सेकंड दिया जाएगा आपको, आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, ध्यान से इसको देखिए, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा उसमें, और आंसर मिल गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जल्दी कीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते, देखिए हम लोग ये सम सॉल्व करते, देखिए ये कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है, अगर आप समझ जाओगे तो फटाफट आंसर दे दोगे। देखिए क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, हमें कैसे भी करके ये दो चीज का हमें पैटर्न देखना है जिससे हमें इजीली हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो वो पैटर्न क्या है, देखिए मैंने ये दिमाग लगाया, देखिए यहाँ पे 12 9 24 है और 18 30 और 6 है, कहीं ना कहीं 3 का कोई लिंक हो रहा है इसमें। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं 3 से इसको डिवाइड देता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 12 और ये 18 है तो 3 से इसको डिवाइड करो क्या होगा, 3 6 18 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं जो नंबर आया डिवाइड करने पे उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 4 24 हो गया। उसी तरह क्या करूंगा, इसको सेम देखता हूं मैं, देखिए 3 3 कितना होगा, 3 3 9 होगा, डिवाइड करूंगा तो मैं यहां पर 3 से, तो 3 3 9 होगा और इसको 3 से डिवाइड करूंगा कितना होगा, 3 10 30 हो जाएगा, और यहां पर 3 और यहां पर 10 है, तो 3 10 30 आंसर निकाल लूंगा। मतलब ये पैटर्न जो है इन दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करूंगा, देखिए 24 क्या करूंगा, 3 से ही डिवाइड करूंगा, तो 3 8 कितना होगा, 24 होगा, इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 8 है और यहां पर 2 है, तो 8 2 कितना होगा, 16 होगा। तो ये मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया मैंने कि इस तरह का आंसर हो सकता है, हो सकता है कि आपको कुछ अलग मेथड मिले आपको जिससे आप सॉल्व कर पाओ, वो भी राइट होगा, इसमें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है,
अभी तक किसी ने आंसर नहीं दे पाए हो तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन में आप आंसर दे पाओ। जल्दी कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। और बार बार कह रहा हूं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। जल्दी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते, देखिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते, देखिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या करते, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये दो जो है ये फुलफिल है पूरा, हमको ये फाइंड करना है, ये जो सर्कल जो इसमें क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। देखिए यहां पर क्या करने जा रहा हूं, देखिए ये 5 जो है ये 3 है, तो 5 प्लस 3 मतलब इसको प्लस कर लूं मैं तो यहां पर 8 आता है, ठीक है। इसको अगर प्लस कर लूं मैं अगर तो 2 प्लस 0 कितना होगा, 2 होगा। अब 8 को अगर 2 से मैं डिवाइड दे दूं मैं अगर तो 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा। इससे मेरा 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं ध्यान दे रहा हूं कि यही पैटर्न इसमें फॉलो होता कि नहीं होता। देखिए ये जो है 6 प्लस 4 में यहां पर 10 कर लेता हूं मैं 10। अब देखिए ये 3 और ये 2 है तो 3 प्लस 2 करूंगा कितना होगा, 5 होगा। अब मैं 10 को 5 से अगर डिवाइड करने जाता हूं तो 5 2 जा 10, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। पेन सही से नहीं चल रहा है क्योंकि इंक खत्म हो गया है, जैसे कि आप जानते हो लॉकडाउन की वजह से कहीं पे इंक अवेलेबल नहीं है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं लिखने की, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर 8 प्लस 4 कितना है, 12 है, तो यहां पर मैं 12 लिखता हूं, ठीक है, ये प्लस करके। अब 2 प्लस 1 कितना है, 2 प्लस 1 देखिए यहां पर 3 लिखता हूं मैं। अब देखिए 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा, तो क्या होगा यहां पर मेरा 4 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर 4 है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी आप बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और साथ ही साथ कमेंट करके ये बता देना कि आपको ऐसे वीडियो और भी अगर चाहिए आपको तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको लिखना होगा, आपको आप जितना डिमांड करोगे वैसा वीडियो बनाते जाऊंगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।